बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बताता हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या, हमारे वालदैन ने, हमारी माँ ने, हमारे बाप ने हमारे लिए क्या क्या। देखो, जब हम छोटे होते हैं एक बाप होने के नाते, आज हम देखते हैं कि हमारे वालदैन ने हमारे लिए क्या किया है। जब हम छोटे थे, हम उठ नहीं सकते थे, हम बैठ नहीं सकते थे, तो हम सारा दिन, हमें रोने के अलावा कोई काम नहीं होता था। रात के वक्त थके हुए जब हमारे पेरेंट्स या हम जब अपनी औलाद के साथ आकर दिल लगाते हैं, तो सारी थकावट दूर हो जाती है। जब रात की तारीकी में, आधी रात के वक्त गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारा बच्चा, हमारा बच्ची जब उठ बैठती हैं, तो हमें इतना एहसास होता है हम भी उनके साथ उठ बैठते हैं। तो उस वक्त तक हम नहीं सोते जब तक हमारे बच्चे नहीं सोते। अगर उन्हें किसी किस्म की छोटी सी तकलीफ़ होती है, तो हमारा दिल बेचैन हो जाता है, हमारा दिल बेकरार हो जाता है। हमारी सारी परेशानियाँ, हमारे सारे दुख हमारे वालदैन और हमारी औलाद से जुड़े हुए होते हैं। अगर हमारी औलाद खुश होती है, तो हमारे सारे अपने दुख हमें अपने दुख नहीं लगते, हमारे गम हमें गम नहीं लगते, हम खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं अगर हमारी औलाद हमारे साथ खुश गप्पियाँ करती है। तो वालदैन वो सब कुछ अपनी औलाद की खातिर करते हैं जो वो कर सकते हैं, जितनी उनकी इस्तेआत होती है, हर वो काम हमारे लिए करते हैं जितनी वो हिम्मत रखते हैं। हमारी खुशी की खातिर, हमारे अच्छे लिबास, हमारे अच्छा खाना के लिए वो सब कुछ करते हैं जो वो कर सकते हैं। तो खुदारा अपने वालदैन की इज्जत करें, उनकी कदर करें। वालदैन बहुत बड़ी नेमत हैं, बहुत बड़ी नेमत हैं। अगर वालदैन अपने बच्चों पर इतना रहम और प्यार और शफ़क़त करते हैं, दुनिया की दूसरी हस्ती इंसान से नहीं करते जितना वालदैन करते हैं।